दोस्तों, अगर आप किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं या उसका बैकग्राउंड पूरी तरह हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। इसकी मदद से आप किसी भी इमेज को बहुत इजीली ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, उसका बैकग्राउंड पूरी तरह रिमूव कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक के अंदर। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ पावर पॉइंट का। इसमें आपको बताऊंगा मैं कैसे किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हम वन क्लिक के अंदर हटा सकते हैं, किसी भी इमेज को हम ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू स्लाइड लेनी है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। लेने के बाद मैं इमेज ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इमेज ली, मैंने कॉपी करा इसे। कॉपी करने का यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए पीछे जो ऑरेंज कलर है मुझे इसे रिमूव करना है, उसे ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो मैं फॉर्मेट टैब पर जाऊंगा। फॉर्मेट टैब पर जाने के बाद ये कलर का आपको दिख रहा है, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। सबसे लास्ट में आ रहा होगा सेकंड लास्ट सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक कीजिए और इसे वहाँ क्लिक कीजिए जो आपको हिस्सा रिमूव करना है या जो कलर है, जो बैकग्राउंड आपको हटाना है। मान लीजिए मुझे ऑरेंज हटाना है तो मैं इसे सिंपल क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं वन क्लिक के अंदर ही इमेज ट्रांसपेरेंट बन चुकी है, इसका बैकग्राउंड पूरी तरह रिमूव हो चुका है। इसी तरह आपको मैं दूसरी इमेज पे दिखा देता हूँ। कॉपी करने के बाद आप देख लीजिए मुझे पीछे ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है वो हटाना है। फॉर्मेट टैब पर जाऊंगा, कलर वाले पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सबसे नीचे आ रहा है सेकंड लास्ट सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इसको पिक करने के बाद, इसे लेने के बाद में जो ब्लैक कलर हटाना है उस पर मैं सिंपल क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं वन क्लिक के अंदर कैसे आप किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो जिन लोगों को फोटोशॉप नहीं आता वो उसका यूज़ कर सकते हैं, वन क्लिक के अंदर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे आई थिंक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आई थिंक हिंदी देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।